विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। दबुदंडी धम्मा के 63वें भाग में एपिसोड 63 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग दबुदंडी धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का शीर्षक है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है, और इस बुक 3 के हम आखिरी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। आखिरी भाग का शीर्षक है व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है, और इस आखिरी भाग के तीसरे सेक्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। तीसरे सेक्शन का नाम है धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट मैत्री। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे मैत्री को बढ़ावा देना चाहिए, और आज हम इसके आखिरी चैप्टर को देखने जा रहे हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आखिरी चैप्टर का शीर्षक है धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि करुणा से भी ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है मैत्री। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि तथागत बुद्ध केवल करुणा की शिक्षा देकर वहीं तक नहीं रुके। करुणा ये इंसानों के प्रति प्रेम निर्माण करता है, प्रेम उत्पन्न करता है, लेकिन तथागत बुद्ध उससे भी आगे जाकर उन्होंने मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री ये सभी जीवों से प्रेम करना, प्यार करना सिखाता है। तथागत बुद्ध चाहते थे कि इंसानियत, इंसान मनुष्य ये केवल करुणा तक सीमित ना रहे, बल्कि इंसान ये इंसानियत से आगे बढ़कर मैत्री की भावना सभी जीवों के प्रति उनके मन में निर्माण हो। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए थे तब उन्होंने इस बात को एक सूत्र में समझाया है। मैत्री के बारे में समझाते हुए तथागत बुद्ध ने भिक्कुओं से कहा कि मान लीजिए अगर कोई इंसान पृथ्वी खोदने के लिए आता है तो क्या पृथ्वी उसको रोकती है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्कुओं ने कहा कि नहीं है तथागत, पृथ्वी कोई विरोध नहीं करती। तथागत बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा कि मान लीजिए अगर कोई इंसान हाथ में लाख और रंग लेकर आता है और वो हवा में चित्र बनाना चाहता है तो क्या वो इंसान हवा में चित्र बना पाएगा? तो भिक्कुओं ने कहा कि नहीं है तथागत, वो इंसान हवा में चित्र नहीं बना पाएगा। तथागत ने पूछा कि वो इंसान हवा में चित्र क्यों नहीं बना पाएगा? तब भिक्कुओं ने कहा क्योंकि हवा में कोई काले धब्बे नहीं है। तथागत ने कहा कि इसी तरह से अगर तुम्हारे मन में कोई काले धब्बे नहीं है तो कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति आपके मन में प्रवेश नहीं करेगी। ये काले धब्बे होना ये दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है। मान लीजिए, तथागत बुद्ध ने तीसरा सवाल पूछा कि मान लीजिए अगर कोई इंसान हाथ में जलती हुई मशाल लेकर आता है और वो गंगा नदी में आग लगाना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? तब भिक्कुओं ने कहा कि हे तथागत, वो इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा। तब तथागत बुद्ध ने पूछा कि वो इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? तब भिक्कुओं ने कहा कि गंगा नदी के जल में ज्वलनशीलता नहीं है और इसलिए गंगा नदी के पानी में आग नहीं लगाई जा सकती। और फिर तथागत बुद्ध अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से धरती आघात महसूस नहीं करती, जिस तरह से हवा में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस तरह से गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहता है और बहता रहता है, उसी तरह से भिक्कुओं अगर तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी कर दे, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना है, तब भी तुम्हें अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपने मन में बनाई रखनी है। इसलिए है भिक्कुओं, मैत्री की भावना हमेशा बहती रहनी चाहिए। ये तुम्हारा पवित्र जीवन का पवित्र कर्तव्य होना चाहिए कि
तुम्हारा मन धरती की तरह दृढ़ हो, तुम्हारा मन वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा के पानी की तरह, गंगा नदी की तरह स्थिर और गंभीर हो। अगर ऐसा हो तो तुम्हारे साथ कोई भी अप्रिय घटना होने के बावजूद भी तुम्हारी मैत्री अप्रभावित रहेगी, तुम्हारी मैत्री हमेशा बहते रहेगी। तुम्हारी मैत्री की सीमा विश्व के सीमा की तरह होनी चाहिए और तुम्हारे विचार इस विश्व से विश्व की तरह असीम होने चाहिए, जिसमें कोई द्वेष ना हो। मेरे धम्म के अनुसार केवल करुणा का अभ्यास करना काफी नहीं है, मैत्री का अभ्यास करना भी जरूरी है। और फिर तथागत बुद्ध ने अपने प्रवचन में एक कथा सुनाई जो याद रखने जैसी है। एक समय में श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक स्त्री रहा करती थी, जिसकी ख्याति थी कि वो बहुत ही सुशील है और शांत है। उसकी एक नौकरानी थी, उसका नाम काली था। वो काली नाम की लड़की काफी होशियार थी, सुबह जल्दी उठती और अपना सारा काम ढंग से करती। काली ने सोचा कि मुझे लगता है कि मेरी जो मालकिन है, जो जिसकी इतनी ख्याति है कि वो शांत है, मधुर स्वभाव की है, इसमें भी कहीं ना कहीं क्रोध है, लेकिन मैं अपना काम सही से करती हूं, इसलिए ये मालकिन अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पाती। तो क्या इस मालकिन में सही में क्रोध है या ये अपना क्रोध जताती नहीं है, प्रकट नहीं करती है, इसका पता लगाना चाहिए। और फिर काली ने ये सोचकर कि मालकिन के मन में क्रोध है या नहीं है, इसका पता लगाने की एक तरकीब ढूंढ निकाली। दूसरे दिन काली अपने हमेशा के समय से देर से उठी और तब वो मालकिन काली के पास आई और काली को कहा कि काली तू अभी तक क्यों नहीं उठी, और वो गुस्से में वो काली को डांटने लगी। तब काली को समझ में आ गया कि मालकिन के मन में भी क्रोध है, वो भी क्रोधित होती है, लेकिन मैं अपना काम हमेशा ठीक से करती हूं, इसलिए ये अपना क्रोध अप्रकट रखती है। और फिर काली ने जवाब दिया कि कुछ नहीं मालकिन, कोई बात नहीं है। और फिर मालकिन और भड़क गई और मालकिन ने उस काली को बहुत डांटा। दूसरे दिन उस काली ने फिर सोचा कि और इस मालकिन का क्रोध प्रकट करना चाहिए, और वो दूसरे दिन और भी देरी से उठी। और जब वो और देरी से उठी, मालकिन और क्रोधित होकर उसने काली को और डांटा और काली को देर से उठने का कारण पूछा। तब काली ने कहा कि कोई बात नहीं है मालकिन, ये छोटी सी बात है। और फिर ये सुनकर वो और क्रोधित हो गई। तीसरे दिन वो और देरी से उठी और जब मालकिन गुस्से में आग बबूला हो गई तो उसने एक डंडे से काली का सर फोड़ दिया। काली उसी हालत में अपने पड़ोसियों के पास भागते हुए गई और उसने अपने पड़ोसियों को बताया कि देखो, जो शांत और मधुर स्वभाव का होने का दावा करती है, वो मालकिन कितना गुस्से वाली है, जो एक नौकरानी को केवल देर से उठी है, इसलिए उसका सर फोड़कर उसको लहू लुहान कर दिया है। और फिर उस मालकिन के बारे में ये प्रचलित हो गया कि ये बहुत गुस्से वाली है और क्रोधित है। तथागत बुद्ध ने ये बात उन भिक्कुओं को बताई और तथागत बुद्ध ने कहा, कोई भिक्कु बड़ा ही शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई अप्रिय बात नहीं कही जाए, लेकिन किसी भिक्कु में मैत्री है या नहीं है, इस बात की परीक्षा तब होती है जब उसके खिलाफ, उसके विरोध में कोई अप्रिय बात कही जाती है। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं उस भिक्षुक को भिक्षुक नहीं मानता, उसको मैत्री संपन्न नहीं कह सकता, जो केवल वस्त्र और भोजन के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं सिर्फ उसे ही सच्चा भिक्कू मानता हूं, उसे ही मैत्री संपन्न मानता हूं, जिसमें मैत्री के स्तोत्र की सिद्धांत है,
जो मैत्री के मूल स्तोत्रों का को ही अपना धम्म मानता है। भिक्कुओ, कोई भी पुण्य कर्म ये मैत्री के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मैत्री चित्त की मुक्ति है, सभी को समा लेती है, प्रज्वलित रहती है, जिस तरह सभी तारों के प्रकाश को मिलाकर भी चांद के प्रकाश के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं की जा सकती, उसी तरह से सभी पुण्य कर्म करने के बावजूद भी मैत्री के 16वें हिस्से की भी बराबरी ये पुण्य कर्म नहीं कर सकते, और इसलिए करुणा के साथ जिसकी जरूरत है वो है मैत्री। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धानिस धम्मा में ये चैप्टर लिखकर हम सबको ये बताया है कि धम्म तभी सद्धम्म है जो केवल करुणा की शिक्षा नहीं देता है, जो मैत्री की भी आवश्यकता बताता है। यही है आज का ये चैप्टर। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।